हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय ई क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डायल बोर गेज को किस प्रकार से सेट करते हैं और बोर को चेक करने का सही तरीका क्या है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह है डायल बोर गेज का पूरा सेट। इसमें आप काफ़ी सारी एनविल्स देख रहे हैं। ये देखिए, यह छोटी एनविल्स हैं और ये सबसे बड़ी एनविल है। इन एनविल्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और यहाँ पे आप कुछ वाशर देखेंगे। ये देखिए, छोटे से बड़ा वाशर है। इनका भी यूज़ मैं बताऊँगा, इनका यूज़ कहाँ पर बोर गेज को चेक कर समय किया जाएगा। ये डायल इंडिकेटर आप देख रहे होंगे, ये डायल इंडिकेटर है। ये हमारे बोर की रीडिंग को बताता है कि बोर किस हिसाब से आपका हुआ है, ठीक है। और ये है हमारा एक एक्सटेंशन रोड। इसको एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। ये देखिए, यह एक्सटेंशन रोड, इसका भी यूज़ आपको मैं बताऊँगा अभी। ये है हमारा हैंडल, ठीक है। ये बोर गेज में जब हम यूज़ करेंगे तो ये हैंडल है हमारा। इसको यहाँ से जो भाग है इसका, इसको ग्रिप बोलते हैं। यहाँ का जो भाग है इसको ग्रिप बोलते हैं। ये सिलेंडर है और इसके अंदर लोहे की रोड होती है पतली, जो हमको हमारे डायल इंडिकेटर पे रीडिंग को बताती है। यहाँ पर इसमें दो रोलर लगे होते हैं। ये देखिए, ये रोलर लगे हैं दो, ठीक है। ये घूमते नहीं हैं लेकिन इनको रोलर बोलते हैं। और यहाँ पर एक एनविल्स लगी होती है। ये देखिए, ये जो एनविल है मूवेबल एनविल होती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव होती है, ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ग्रिप स्क्रू लगा होता है, ये ग्रिप स्क्रू है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमें एनविल सेट करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से सेट करते हैं। अब ये देखेंगे, यहाँ लिखा 50 से 160, यानी कि डायल बोर गेज जो हमारा है वो 50 mm से लेके 160 mm तक को रीड कर सकता है। यानी कि ये जो डायल बोर गेज है वो हमारा 50 mm से 160 mm तक के बोर के साइज को चेक कर सकता है। क्या कर सकता है? 50 से 160 mm तक के बोर के साइज को चेक कर सकता है, ठीक है। यानी कि 50 mm से छोटा बोर नहीं होना चाहिए और 160 से बड़ा बोर नहीं होना चाहिए, ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। और हमारी एनविल्स भी जो देखेंगे आप, ये हमारी एनविल भी 50 नंबर से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 50 नंबर यानी कि 50 mm की एनविल है, ठीक है। ये जो एनविल है वो 50 mm की है। इसके बाद 55, इसके बाद 60, 65, 70, 75, इसी प्रकार से ये जा रही है। जहाँ पे आपको रेंज लिखा भी होगा, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ रेंज आपको। इनकी रेंज है 50 से 160 mm, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आपको किसी भी बोर को चेक करना होगा तो सबसे पहले उस बोर का आपको साइज़ पता होना चाहिए कि उस बोर का साइज़ क्या है। अब साइज़ हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए मेरे पास है एक सिलेंडर, ठीक है। इसको मान लिया, हमको इसका बोर जो हुआ है वो चेक करना है कि बोर सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। तो सबसे पहले इस बोर का साइज़ हमको पता करना है कि इस बोर का साइज़ क्या है। तो आपको साइज़ नहीं पता है तो आप जो है वर्नियर कैलिपर से नाप सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पे वर्नियर कैलिपर नहीं है तो आप स्केल से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप वर्नियर कैलिपर को ही यूज़ करें। मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, ये देखिए, ये मेरे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। मैं इससे आपको रीड करके इसका बताऊँगा कि इसका डाया कितने mm का है। उसके बाद हम एनविल सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका इनर डाया हम ले लेते हैं कि इस हमारा डाया कितने mm का है। तो ये देखते हैं इसका डाया कितने mm का है। तो ये जो डाया हमारा आ रहा है वो देखेंगे आप, ये आपका 50 mm का डाया हमारा आ रहा है, ठीक है। कितने mm का आ रहा है? 50 mm का, देख लीजिए, ये हमारा 50 mm का डाया इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका डाया 50 mm का है। तो 50 mm का इसका डाया है, तो हमको एनविल्स कैसे सेट करनी होगी। इनर डाया हमने इसका चेक कर लिया, इसको साइड में रख देते हैं और अपने फिर टूल बॉक्स को लेके आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डाया हमारा पता लगे कि हमारा 50 mm का डाया है, तो अब एनविल्स को हम सेट करेंगे। तो एनविल्स जो हमारी सबसे छोटी वो है 50 mm की, वो भी एनविल है, ठीक है। तो एनविल को सेट कर लेते हैं। एनविल को सेट करने के लिए ये जो हमारा है, ये ग्रिप वाला स्क्रू, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद ये जो 50 mm की एनविल्स है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 50 mm की एनविल हमने निकाल ली, और निकालने के बाद इसको इसमें वापस लगाए, इसके अंदर ही लगाते हैं। देखिए, इसको इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक। लगाने के बाद इस स्क्रू को हम वापस टाइट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि एनविल्स की हमको बोल चमक गई होगी, देखिए ये, ठीक है, ये बोल आपको चमक रही होगी एनविल्स की। अभी हमारा 50 mm के बोर को चेक करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें इंडिकेटर को लगा देता हूँ, डायल इंडिकेटर जो ये देख रहे हैं आप, ये डायल इंडिकेटर को मैं इसमें अब लगा देता हूँ। लगाने का तरीका क्या है, पहले सबसे पहले इसको हम जीरो सेट करेंगे। इस डायल इंडिकेटर को जीरो सेट करेंगे। जीरो क्यों सेट कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले मैं जीरो सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जीरो सेट कर लिया है, देख लीजिए। और इसके बाद इसको इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है।
इसको लगाते हैं इस प्रकार से। अब जब जीरो हिलेगी तो इसको छोड़ देंगे। ये देखिए जीरो हिल गई। अब मैं इसको वापस यहाँ से लॉक को टाइट कर देता हूँ, ठीक कर दिया। और ये आपका हमेशा इसी साइड में आना है, डायलेक इंडिकेटर आपका इसी साइड आना चाहिए, ठीक है। और ये रोलर जो है उस अपोजिट साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये हमारा तैयार हो गया है बोर को चेक करने के लिए। अब मैं बोर को चेक कर लेता हूँ कि 50 mm का रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ये हमारे पास था सिलेंडर, और मैं इसमें चेक करके देखता हूँ कि चेक कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसको सिलेंडर डालने के लिए तरीका होता है कि पहले हमको रोलर साइड सिलेंडर डालना होता है, पहले रोलर साइड सिलेंडर डालेंगे और उसके बाद फिर ऐसे डालेंगे, ठीक है। ऐसे हमको कभी नहीं डालना होता, ठीक है। ऐसे पहले साइड सिलेंडर, पहले रोलर साइड से इसको अंदर करेंगे और इसके बाद इसको ऐसे उनका मूव करेंगे, ठीक है। तो अब ये इसमें चला गया है और इसको अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। अप एंड डाउन करेंगे तो अगर आपके नीडल में कोई मूवमेंट होती है तो आप देख लीजिएगा उसको, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डायल बोर गेज को सेट करना बता रहा हूँ। अगर आपको डायल बोर गेज यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए, देखिए, ठीक है। अब अप एंड डाउन करेंगे तो आपके नीडल में जो भी मूवमेंट होगी आप देख लीजिएगा कितनी मूवमेंट होती है, टॉलरेंस के हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपको आपके बोर्ड का टॉलरेंस कितना है। अगर उससे ज़्यादा मूवमेंट होती है तो फिर आपको दोबारा से जो है बोर्ड को चेक करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जॉब को लिटा कर कि इसमें मूवमेंट कितना हो रहा है, अभी आपको देखेंगे। अभी मेरे हाथ से हिल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, तो देख लीजिए। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से रीड करते हैं। देखिए नीडल में कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। नीडल में मूवमेंट जो हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। ज़्यादा मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे हाथ में ये थोड़ा भारी है और मैं हाथ से रख रहा हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रेट रखूँ तो इतना मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपके जॉब के लिए कितना टॉलरेंस है, उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ डायल बोर गेज को सेट करने का तरीका कि 50 mm का हमने सेट कर दिया। अब मान लिए आपको कोई बोर साइज मिल गया 58 mm का, कितने mm का मिल गया 58 mm का। अब 58 mm को कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 58 mm की एनविल हमारे पास है नहीं है। देखिए आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें 50 नंबर की एनविल है आपके पास, ठीक है, जो कि मैंने इसमें लगाई हुई है। 55 नंबर की एनविल है, उसके बाद 60 नंबर की एनविल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 58 नंबर की एनविल नहीं है, तो इसको कैसे सेट करेंगे, उसको भी सेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें से हम जो 50 नंबर वाली एनविल है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं और वापस इसमें यहाँ लगा देते हैं, ठीक। अब जो है 58 mm हमको रीड करना है, चेक करना है बोर के साइज़ को, तो 55 वाली निकाल लेते हैं, ठीक है। 55 वाली निकाल ली, 55 में 3 mm और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 mm। तो ये वाशर जो हमारी है, ये वाशर, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी 55 और 3, तो ये कितना होगा 58 mm, ठीक है। 58 mm की ये हमारी एनविल सब बन गई है, इसके अंदर वापस इसको लगा देंगे और फिर इसको वापस इस स्क्रू को जो है टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करके देखेंगे बोर को कि हमारा जो बोर का साइज़ है 58 mm का है या नहीं। अभी जो हमारा 50 mm का बोर का साइज़ था ये, ठीक है, ये बोर हमारा 50 mm का था। अब देखते हैं इसमें ये जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। देखते देखिए देखेंगे आप, तो ये हमारा इसमें नहीं जा रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि 50 mm का है और 8 mm बड़ा एनविल हमने लगा दिया, तो अब इसमें ये नहीं घुसेगा। देख रहे होंगे आप, ये इसमें नहीं घुस रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो बोर का साइज हमको चेक करना, उसी हिसाब से एनविल्स हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हम सबसे पहले बोर का साइज को चेक करेंगे, उसके बाद हम एनविल सेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि 50 mm हो गया और आपका जो है 58 mm हो। मान लीजिए आपको 58.5 mm के बोर को चेक करना है, तो फिर इस 3 mm के साथ 0.5 mm वाली वाशर भी इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारे बोर के साइज को चेक करने के लिए 58.5 बोर के साइज को चेक करने के लिए हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में। तो ठीक है, इसको मैं वापस लगा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जो ये एक्सटेंशन रोड है, ये जो एक्सटेंशन रोड हमारी दी हुई है, इसका क्या यूज़ है। देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा, अब एनविल्स आप हमारे देख रहे होंगे, ये जो एनविल आप देख रहे हैं, ये सारी एनविल हमारे पास हैं 50 से लेकर 105 mm तक की एनविल है। लेकिन अगर आपको 125 mm के बोर के साइज को चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 105 mm की एनविल्स हैं, उसके बाद एक्सटेंशन रोड है, तो आप क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन रोड हमारी है 55 mm की, जैसे कि यहाँ लिख रहा है, ये 55 mm के एक्सटेंशन रोड है, ठीक है। अब इसमें हमें कितना चेक करना, हमें मान लिया 125 mm के बोर के साइज को चेक करना है, तो हमने 55 ले लिया। अब हमें कितना और चाहिए होगा, अब हमें 125 mm करने के लिए हमें इसमें 70 mm और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि
इसमें 70 mm की एनविल्स हम लगा लेंगे। ये जो 70 नंबर की एनविल्स देख रहे हैं इसको निकाल के ऐसे निकालेंगे और इसमें इस साइड में आगे साइड में लगा देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे वापस हम इसको टाइट करेंगे, ठीक। तो ये हमारा 120 ये हमारा 125 mm के बोर के साइज को के लिए तैयार हो गई। और इसको वापस इसमें ऐसे हम टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने एमएम के साइज के लिए बोर के साइज तैयार हो गया, ये हमारा 125 mm के बोर के साइज को चेक करने के लिए हमारा ये जो है एक्सटेंशन रोड का यूज़ हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने जो है बोर के साइज को एनविल्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं और जो वाशर है इनका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।